अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में शान से लहरा रहे भारतीय राष्ट्र ध्वज को देखकर जहन में देशभक्ति का भाव आना लाजमी है। लाजमी है विदेशी धरती पर वंदे मातरम के नारे को सुनकर गर्व से भर जाना। वॉशिंगटन डीसी की सड़कों पर जगह जगह स्थित खंभों पर इन दिनों अमेरिकी झंडे के साथ साथ तिरंगा भी लहरा रहा है। भारतीय और अमेरिकी नागरिकों के मुंह पर भारत अमेरिका की थोड़ी नई थोड़ी पुरानी दोस्ती के चर्चे हो रहे हैं। कैपिटल हिल के इलाके में जगह जगह तिरंगा देखने को मिल रहा है और सड़कों पर दोनों की दोस्ती के रंग। अमेरिका के राष्ट्रपति निवास व्हाइट हाउस के ठीक सामने ही सड़कों पर तिरंगे की अनूठी छटा देखने को मिली, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर गजब के नारे भी सुनाई पड़े। सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्र ध्वज के साथ तिरंगे की इस जुगलबंदी के मायने बेहद खास हैं। ये भारत और अमेरिका के गहरे और मजबूत होते रिश्तों का प्रतीक है। ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति सम्मान का सिंबल है। भारत को दी जा रही उस अहमियत की झलक है जो अमेरिका साफ साफ जाहिर करना चाहता है। 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर जाएंगे। इससे कई दिन पहले से ही अमेरिका में इस तरह दोनों देशों के राष्ट्र ध्वज का एक साथ डिस्प्ले होना प्रधानमंत्री के स्वागत में खास तौर से किया गया है। खास बात ये भी है कि यहाँ इस तरीके से तिरंगा लहराता देखकर अमेरिका की सैर करने पहुँचे या वहाँ काम कर रहे भारतीयों को भी गौरव का अनूठा अनुभव हो रहा है। Really honor and pride to see the tricolor. I go across the United States for my work purpose carrying tricolor, but seeing tricolor in front of White House waving up freely and benching mark the coming of our honorable Prime Minister Narendra Modi in Washington DC for the new generation engines and everything. So it would be great honor to see more technological advancement in India. एक तरफ अमेरिकी प्रशासन प्रधानमंत्री मोदी और हिंदुस्तान के सम्मान में अपने राष्ट्र ध्वज के साथ तिरंगे को लहरा रहा है, तो दूसरी तरफ प्रवासी भारतीय भी उनकी यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे आएंगे, आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? यहाँ पर बहुत एक्साइटमेंट है उनके विजिट के लिए। अमेरिका की सड़कों पर वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं। अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी के प्रति भारतीय लोगों की दीवानगी सिर चढ़कर बोल रही है। वर्जीनिया में एक शख्स ने तो अपनी कार के नंबर प्लेट पर मोदी के नाम के अक्षर लगवा रखे हैं। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी इनके प्रेरणा स्रोत हैं। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली अमेरिका यात्रा नहीं है, लेकिन साफ साफ देखा और समझा जा सकता है कि 9 साल में उनकी इस 8वीं अमेरिका यात्रा के लिए अमेरिका और वहाँ के प्रवासी भारतीयों में उत्साह कितना जबरदस्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।